हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास पर दोहरा हादसा, पहले वैन उल्टी फिर पीछे से आने वाला ट्रक बेकाबू होकर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में जांबहक अफराद की तादाद हो गई, दो जख्मी। अदालती अहकामात पर धरना खत्म क्यों नहीं कराया गया, ये जिला इंतजामिया की नाअहली और मिलीभगत का नतीजा है। कौम को एक बार एतमाद में लेकर बता दें कि धरना खत्म करने में क्या मुश्किलात है और हुकूमत को काम करने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, वजीर दाखिला अदालत में पेश। फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना आज भी जारी, रास्ते बंद होने से आवाम की दुश्वारी बरकरार। धरना कायदीन वजीर कानून के इस्तीफे तक एहतजाज खत्म करने पर तैयार नहीं। कराची में नुमाइश चौरंगी पर भी धरने की वजह से सुबह सवेरे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। धरना हुकूमती रिट खत्म होने की निशानी है, नवाज शरीफ की सिमत गैर आईनी है, इस तरह वो मजीद फंस जाएंगे। खुशी शाह का तबसरा, कहा वक्त से पहले इलेक्शन का मुतालबा गैर जरूरी है। बाअसर उलमा सालिसी कर रहे हैं, इंतजामिया भी धरना क्यादत से मुजाकरात कर रही है, उम्मीद है धरने का मामला आज हल हो जाएगा। राणा सनाउल्लाह पुरमी। कराची में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर आला और गवर्नर सिंध की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और वफाकी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। कराची में एक बार फिर लोग लापता होने लगे, चंद दिनों में 15 से जायद शहरी गुम हो गए, घर वालों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, अदालत का बाजियाब कराकर 20 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। मिनी ट्रकों को लाहौर में दाखिले की इजाजत दी जाए, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा, बाबू साबू चौक पर ट्रक खड़े करके सड़क ब्लॉक कर दी, अवाम परेशान। सर्दियों में पिशावर वालों को गैस की लोड शेडिंग का सामना, सुबह सवेरे स्कूल और काम पर जाने वाले बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर। सुबह के टाइम ज़्यादा गैस कम होती है, हमारा काम का टाइम होता है तो बिल्कुल काम ही नहीं निकलता। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, चाय और हर किस्म के बच्चों में मुँह हाथ धोना होता है तो वो नहीं खा सकते, स्कूल से लेट हो जाते। जरा सी गफलत उम्र भर की माजूरी का बायस, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला दिन। दुनिया आज बच्चों का दिन मना रही है मगर पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद गुर्बत और अफलास के बायस तालीम हासिल करने से महरूम है। कलम और किताबें थामने की उम्र में बच्चों को घर वालों का पेट पालने की फिक्र लाहक। बुलेटिन में आपको सुनाएंगे पिशावर के 12 साल अफजल की रूदा। छोटी सी उम्र में वतन पर सब कुछ मारने का आजम, नन्हे सिपाही का जज्बा बड़ों के लिए भी मिसाल। फौज और अपनी ही जमात का दबाव गैर मौसर, जिम्बाब्वे के मोमर सदर मुगाबे का सदारत छोड़ने से इनकार, कहते हैं इंतशार मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह होगा, मुल्की सियासी सूरत हाल कशीदा। अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर बनी दीवार भी दो दिलों के मिलन में हायल ना हो सकी, अमरीकी लड़के और मैक्सिको की लड़की ने सरहद पर शादी कर ली। किस्मत हो मेहरबान तो मुश्किल भी हो आसान,
فلوریڈا میں چھوٹا طیارہ نچلی پرواز کے دوران درخت سے ٹکرا گیا، پائلٹ اور مسافر محفوظ رہے۔